राजधानी रायपुर से मिल रही आचार संहिता लगते ही पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आचार संहिता लगते ही रायपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और एसपी समेत शहर के तमाम पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं इस फ्लैग मार्च में। तो ये खबर आ रही है राजधानी रायपुर से। चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आपको बता दें कि ऐसे में फ्लैग मार्च निकाला है पुलिस ने, एसपी समेत शहर के तमाम पुलिस अधिकारी इसमें शामिल भी हुए। राजधानी रायपुर से ये खबर है और ये वीडियो भी। तो राजधानी रायपुर का है वीडियो, फ्लैग मार्च निकालती पुलिस, एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए। और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और 7 चरणों में देश भर में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 543 सीटों के लिए चुनाव मैदान में पार्टियां उतरेंगी और सबसे ज्यादा पहले चरण का चुनाव जब होने जा रहा है यानी 19 अप्रैल को, उसमें पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है। और इस बीच यदि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है और इसे लेकर कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ ही एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने आज राजधानी रायपुर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका वीडियो आपके सामने है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे रायपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे ही आचार संहिता लगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और अब ये फ्लैग मार्च देखने को मिला जिसमें एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी शामिल भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आचार संहिता जो है पूरे देश भर में लागू हो गई है। इसको देखते हुए अब रायपुर पुलिस जो है राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन मोड पर आ गई है और आज पहले ही दिन जैसे ही आचार संहिता लगी वैसे ही फ्लैग मार्च जो है वो निकाला गया है। रायपुर के पुलिस लाइन से निकाल करके शहर के तमाम जो क्षेत्र है वहां पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो है आज फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में रायपुर एसपी समेत तमाम जो थाना प्रभारी है वो शामिल हुए हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगले चरण में जो है पुलिस द्वारा जो गुंडा बदमाश और अपराधी है उन पर भी जो है वो नकेल कसी जाएगी और लगातार अब जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी जाएगी। जी बिल्कुल हसन, तो पेट्रोलिंग अब बढ़ा दी जाएगी और ऐसे में एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने ये फ्लैग मार्च भी निकाला है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।